press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैंने बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट स्विम इन स्विमिंग पूल, इन स्विमिंग पूल विच इज 200 मीटर, विच इज 200 मीटर लेंथ। ठीक है, 200 मीटर लेंथ का एक स्विमिंग पूल है। एंड ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट फाइव राउंड्स फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएं। ठीक है, तो निकाल लें। कैसे निकलेगा कि क्या वो कह रहा है कि ये कोई स्विमिंग पूल है जिसकी जो लेंथ है वो है 200 मीटर्स। ठीक है, और उसने 5 राउंड्स लगाए हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 200 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, यही नहीं, ये गलत होगा। क्यों होगा गलत, क्योंकि 200 मीटर तो जाने का है और एक कंप्लीट राउंड किसको कहते हैं कि जो गया और वापस वो आया। इसका मतलब एक कंप्लीट राउंड में टोटल डिस्टेंस देखें तो कितनी हुई, 400। ये क्या है, 1 राउंड। अगर एक राउंड लगाते, एक राउंड तभी तो कहेंगे ना कि जो गया और वो वापस आ जाता है, तब एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो ऐसे इसने 5 राउंड्स किए हैं। ठीक है, तो 1 राउंड किया है तो 400 मीटर आया है, 5 राउंड उसने किए हैं, इसका मतलब कितना हुआ, 400 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 20 और 2000 मीटर। ठीक है, कितना हुआ, 2000 मीटर, ये हुई है उसकी डिस्टेंस। क्योंकि देखो 200 जो गया वापस आया, 400 फिर 600 200 400 600 800, ठीक है, फिर 1000, ऐसे चलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब एक राउंड वो 400 मीटर में कंप्लीट करता है, तो 5 राउंड किए हैं, इसका मतलब हमें 5 से मल्टीप्लाई। बच्चों तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। डिस्टेंस हमें पता किया कि 2000 मीटर आ गई, या फिर इसको बोल दें तो 2 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालनी इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमने बताया था कि जहाँ से वो चलना शुरू करता है और वो वापस वही पॉइंट पे आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, 0। तो इसका मतलब इस यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की द्वारा टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कितनी है, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास